हेलो फ्रेंड, अग्नि वाणी शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, विक्रम मूवी से सीन्स पे रिएक्शन दे रहे हैं। लास्ट का जो सीन था वो था कमल हासन जी सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके जो मेंबर को जेल से एस्केप कराने में, प्लस उस साइड विजय सेतुपति का पूरा वो पूरा उड़ जाते हैं। उनको बैक स्टोरी भी पता चलता है कि वो लोग प्रभनंजन को कैसे मारे हैं, कौन मारा है, वो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड फिर ये भी पूरा ओपन में आ जाता है कि जो पुलिस ऑफिसर हेड एंड विजय सेतुपति दोनों मिले ही हुए हैं। एंड लास्ट में मारा था उसको, करेक्ट, लास्ट में ये उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि कमल हासन जी का जो वीकनेस ग्रैंडसन, एंड उधर की वो भी इन्फॉर्मेशन देता है फहद फासिल के वाइफ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है। तो मेरे हिसाब से ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता है कुछ कुछ ये टुवर्ड्स प्री क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स की तरफ ये सीन बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दोस्तों, यार देरी नहीं करते हैं विक्रम मूवी से। आई गेस ये बहुत ही फेमस सीन है जो हम देने वाले हैं, रिलेटेड सम एजेंट टीना है, ये क्या है हम आइए देखते और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों, वंडी नंबर 2741 இன்ஃபர்மேஷன் படி மொத்த சப்ஸ்டன்ஸும் இந்த பேஸ்மெண்ட் கீழே தான் இருக்கும். அங்க இருக்கிற டிராக்கர் ஆன் பண்ண போறது யாரு? அது சார் கிட்ட. கொப்ப அம்மாவுக்கு தெரியுது, கொப்பல போன போட்டா சொல்லுவானா? தீடெல்லாம் பண்ணுன்னு சொல்லி சொன்னாலும் சொல்லட்டா. Tomorrow we will be some for what we did.
நான்தான் தீவிரவாதி. எப்படிப்பட்ட தீவிரவாதி? டக்ஸ் தீவிரமா இருக்கிற தீவிரவாதி. தீவிரம்ங்கிறது மட்டும் கெட்ட வார்த்தை இல்ல, இட்ஸ் அ வெர்ச்சு. சாரி பாய்ஸ், ஐம் லெக்சரிங். நீங்க ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரின்னு சொன்னதும் ஒன்று We are warriors of tomorrow. Grow up, guys. Sir, I'm not going to mean it. Prabhanjan sir, you have to call me. What happened to you? I'm going to call you. தெரியுமா சார் உங்களோட உண்மையான பேராவது என்னென்ன? இல்ல கடைசி வரைக்கும் யாருமே தெரியாம உங்களை தத்தெடுத்து அப்பானதான் நடிச்சிட்டு இருந்தாரா? பேர் வைக்கணுமாவா? பேர் யாரா? நீ வைக்கலாம். நீ வாப்பா, வாப்பா, வா. நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் இருக்காங்க, எவ்வளவு நேரம் சமாளிக்க முடியும்னு தெரியல.
मेन भी वहां पर भाई गजब वो एजेंट उसी का घर पे बना उसको मालूम नहीं ये खतरनाक एजेंटी मेरे को ट्रैक याद आ गया स्टाइलिश है ये तो ब्रोकर लग रहा है प्रॉपर एजेंट जैसा இந்த மாதிரி நேரத்துல வீரங்க எல்லாம் அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா பாத்துலாம் जनरेशन के हिसाब से जो बोल रहे थे करंट सिचुएशन बहुत अच्छा बोले ड्रग फ्री सोसाइटी को लेके प्लस ये भी कि जो ड्रग माफिया को ऐसे मारना है कि दूसरे बार कोई ड्रग करने से तो ट्रेम्बल होना डर लगना उनको कैसे कि किए तो क्या होगा बोल के और कैसे लेगेसी रहना बोल के बहुत ही अच्छा बोले वो अच्छा था एंड उसके बाद फिर जो सरप्राइज था ये दो सरप्राइज दोनों जगह एक तो वो एजेंट थे ना तो पूरा अल्टीमेट सरप्राइज मेड वाला क्या फाइटिंग किया नॉट एक्सपेक्टेड दोस्तों पूरा अनएक्सपेक्टेड था एजेंट थी ना मेड लग रही थी पर ऐसा चेंज बिकॉज ना व्हेन वी हम मुझे क्या लगा जब व्हेन वी थॉट अबाउट कि ब्लैक स्क्वाड मेंबर्स के बारे में तो आई थॉट कि सब ज्यादा मेन होंगे नेवर थॉट कि कोई एक लेडी भी हो सकती है एक स्क्वाड मेंबर
एजेंट होगी वैसा बोल के, एंड एजेंट भी ऐसा कि खतरनाक एजेंट, हाँ वो भी एक तरह से 20-30 इयर्स से स्लीपिंग मोड में थे एंड एक्टिव हुए तो ऐसा हुए कि जबरदस्त किए पूरा, मजा आ गया फाइटिंग तो लेकिन लास्ट में मार दिया उनको भी लग, यही तो है कि लाइक लास्ट तक छोड़ते नहीं कमिटमेंट वो लोग, जबरदस्त था। लेकिन दोस्तों ऐसी वही क्रैक याद आया श्रुति हसन वाला, पर क्रैक है कि वो लाइक प्योर कमर्शियल मास मूवी था, वो जो सीन था हीरोइन का वो थोड़ा स्टाइलिश वे में और थोड़ा फन में भी दिखाया गया, क्योंकि उसमें अलग सा रवि तेजा कुछ कमेंट मार रहा था इसको तो जानता नहीं, ये नहीं जानता, ये क्या सरप्राइज था, एंड ये था कि एक्चुअली जो आए हैं मारने आए हैं, एंड इसका जो फाइटिंग बहुत ब्रूटल है उन्हीं का जैसा है पूरा, जो भी वेपन्स यूज हो रहा, फोर्क वगैरह यूज हो रहा, हैंड कॉम्बैट वगैरह, वो उनको देख के एक्चुअली लग रहा है कि वो ट्रेंड है पूरा ना, ये ऐसा नहीं कि कुछ लाइक बोलते नहीं कुछ जैसे कुछ यूज हो रहा केबल वगैरह या ऐसा कुछ स्टाइलिश नहीं, ये पूरा स्लो मोशन भी नहीं, पूरा फास्ट फास्ट प्रॉपर लग रहा था ट्रेंड वाला कोई सोल्जर एजेंट फाइटिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा सुपर एक्टिंग की है वो एजेंटिना, क्योंकि हमको फ्रॉम द वेरी स्टार्ट से एंड तक वी नेवर थॉट कि जो मेड है वो एजेंट निकलेगी बोल के, दैट वाज अ वेरी बस एक बार वो जो कब पकड़ी थी पकड़ती है हाँ अचानक क्या लगा कि शायद वो बच्चा को बोली कि बच्चा शायद हार्ड है शायद वैसा, बट वी नेवर थॉट कि वो लेवल पे जाएगा एजेंट पूरा, वो खतरनाक था। उसके बाद तो चार मिसिंग में से सेकंड है, चार लोग का डेड बॉडी मिला था, सेकंड करेक्ट बोलिए सेकंड ही है उनको छोड़ के, हां करेक्ट ये सेकंड, एंड उसके बाद तो दोस्तों बहुत ही वो शॉकिंग वाला सरप्राइज था लाइक सैड पार्ट जो फहद फासिल के वाइफ के साथ हुआ, और उसका तो बेचारी का मुझे वो खराब क्या लग रहा कि टिल द वेरी एंड शी लाइक हां डिडंट नो कि एक्चुअली हस्बैंड करता क्या, एंड आल्सो कि व्हाई शी वाज किल्ड कि उसके क्योंकि हस्बैंड का काम क्या करता है वो मालूम नहीं, तो जो मारे हैं क्यों मारे हैं उसको मालूम नहीं, नहीं ऐसा खतरनाक है यार पूरा वो लाइक हेडलेस पूरा कर दिए, वो खतरनाक था लाइक कितना खतरनाक, वो जो सोचे हैं बहुत ही ग्रॉस था दोस्तों, के बारे में पता चल रहा है। हाँ ये मैंने वो लिया होगा ना वो जो भी सदानंद वो ड्रग, तो मेरे हिसाब से अभी फाफा भी छोड़ेगा नहीं, वो भी लास्ट में जो सर गया है वो ऐसा मिशन में अब है कि नथिंग टू लूज वाला सिचुएशन, जो एक्चुअली एजेंट लोग का है अभी जो उनका जो टीम है ना मार्क्समैन का जो टीम है वो भी वैसी है, सब कहीं ना कहीं कोई खोए हैं और लाइक मर जाएं भले लेकिन छोड़ेंगे नहीं वैसा सिचुएशन है, खतरनाक था दोस्तों ये सीन। लेकिन वही हाईलाइट, ये तीन पॉइंट हाईलाइट है, कमल हसन जी का जो भी मोनोलॉग, फाफा का जो अभी एक जो लूज फैमिली का लॉस हुआ है वो, प्लस टेनेंट जो अपना एजेंट टीना वो, लेकिन एजेंट टीना तो हाइपर बोल गया दोस्तों, जबरदस्त पूरा खेल भी पूरा मजा आ गया, नॉट एक्सपेक्टेड, और वो जो फाइटिंग भी दिखाया बहुत ही अच्छा दिखाया, मजा आया दोस्तों, पैसा वसूल थी ना ये, देखते हैं आगे क्या और ट्विस्ट एंड टर्न देखने मिलेगा, कितना ट्विस्ट एंड टर्न मूवी में देखने मिल रहा है, मानना पड़ेगा लोकल कनक राजू का, एंड ऑल्सो स्पेशल मेंशन की जब वो एजेंट टीना वाला जो म्यूजिक दिखाया वो टाइम में बीजीएम वो तो वो अचानक एवेंजर्स लेवल पे ले गया, हाई लेवल पे पूरा, तो अच्छा था दोस्तों, वेरी गुड, अगले सीन पे बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। Bye.